नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका न्याल। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की बागलकोट लोकसभा सीट की। कर्नाटक की बागलकोट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जेपी चंद्रगौड़ सांसद हैं। चंद्रगौड़ ने 2004 में पहली बार यहां चुनाव जीता था। इस सीट पर भाजपा का खाता खोला था। उसके बाद से 2009 फिर 2014 में वो यहां से लोकसभा पहुंचे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अजय कुमार को उन्होंने 116,507 वोटों से हराया था। बागलकोट की बात की जाए तो यहां की आबादी 21,24,906 है, जिसमें से 70% लोग गांव में रहते हैं और 30% आबादी शहरों में रहती है। बागलकोट में कुल मतदाताओं की संख्या 15,68,620 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 7,93,338 है और महिलाओं की संख्या 7,75,282 है। 2014 में 10,79,310 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। यहां कुल 59% मतदान हुआ था। चंद्रगौड़ का लोकसभा में अपने इस कार्यकाल के सदन में उपस्थिति 86% रही है। इस दौरान उन्होंने 8 बहस में हिस्सा लिया है और 94 सवाल पूछे हैं। बागलकोट लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। आजादी के बाद हुए चुनाव में इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। कांग्रेस यहाँ से सबसे ज्यादा 8 बार जीती है। पहले इलेक्शन में सीट बॉम्बे स्टेट में आती थी। 1957 से 1971 तक ये मैसूर स्टेट में रही। 1971 के बाद से कर्नाटक में आई। 1991 तक यहाँ लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे। 1996 में जनता दल, 98 के चुनाव में लोक शक्ति को जीत मिली। इसके बाद 1999 के हुए चुनाव में दोबारा कांग्रेस के आरएस पाटिल ने जीत हासिल की। 2004 में बीजेपी के जेपी चंद्रगौड़ ने जीत हासिल की। 2009 के आम चुनाव में भी वही सांसद चुने गए और 2014 में चुनाव जीतकर उन्होंने जीत की हैट्रिक बनाई। कर्नाटक में इस समय जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। 2019 में कांग्रेस और जेडीएस ने अगर एक साथ रहकर चुनाव लड़ा तो हो सकता है कि बेहद दिलचस्प और करीबी मुकाबला देखने को हमें बागलकोट सीट से मिले। चलिए अब बागलकोट के बारे में आपको बताते हैं। कर्नाटक के बागलकोट एक प्राचीन शहर है जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये शहर बेंगलुरु से 523 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जाता है कि शहर का प्राचीन नाम बगदिगे हुआ करता था, जो बाद में बागलकोट हो गया। इस शहर के बारे में एक कहावत मशहूर है, वो कहा जाता है कि शहर में रावण ने गायन मंडली को दिया था। बागलकोट पर आज़ादी से पहले विजयनगर साम्राज्य से लेकर पेशवा, मैसूर, रियासत, मराठा और ब्रिटिश का शासन रहा। ये शहर 1818 के दौरान अंग्रेजों के अधीन आ गया। इसके अलावा ये शहर आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक प्रमुख केंद्र रहा। बागलकोट में घूमने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। यहाँ बादामी गुफा और इसके अलावा पूरे बागलकोट जिले में कई शानदार और खूबसूरत मंदिर और इमारतें हैं। कई रियासतों के शासन यहाँ रहने के चलते कई तरह की सांस्कृतिक और संगम यहाँ देखने को मिलता है। इस संगम को देखने के लिए लोग यहाँ देश और दुनिया से आते हैं। और पर्यटन से इतर राजनीति में ये शहर क्या 2019 में क्या रंग दिखाएगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी।